हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने बचे हुए डाटा को चेक करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके सिम में कितना डाटा बचा हुआ है और आप कितना यूज कर लिए आज? अगर आप पता करना चाहते हैं तो बहुत ही इजीली तरीके से पता कर पाएंगे। आपका कोई भी सिम हो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मैं अपने नोटिफिकेशन बार को इस तरीके से क्लिक करता हूं तो यहां पर चलता हुआ नजर आता है रिमेनिंग टुडे 854 MB, उसके बाद यूजे टुडे यहाँ पर आपको 682 MB, यानी कि जो यूज कर रखा है मैंने वो आपको MB यहाँ पर देखने को मिल जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रिमेनिंग टुडे यानी कि 854 MB मेरी बची हुई है यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन की सेटिंग से इसे यहाँ पर करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप कर पाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। सेटिंग के ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डाटा यूजेज का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मोबाइल डाटा लिमिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद दोस्तों, आपको सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डेली मोबाइल डाटा लिमिट का, इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको कस्टम वाले पे इस तरीके से क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको कुछ राइट करना है, यानी कि जितना MB आपका डेली मिलता है उसे आपको यहां पर लिख देना है। तो मेरा 1.5 GB मिलता है, तो दोस्तों यहां 1.5, उसके बाद 0.0 कुछ इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहां पर GB पर क्लिक कर लेना है। GB पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो कि मेरा बैकग्राउंड में यहां पर देखने को मिल जा रहा है, यानी कि नोटिफिकेशन बार में यहां पर कितना डाटा मैंने यूज किया और कितना डाटा मेरा बचा हुआ है, सारा यहां पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल के डाटा लिमिट को यहां पर ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज दोस्तों, आपको स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई अन्य प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।